जमीन बंटवारे को लेकर भाई बहन में हुआ विवाद, पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिनावाला की रहने वाली विवाहिता नजराना ने अपने जेठा जेठानी पर अपने साथ मारपीट करने और नंद से जमीन नाम कराने को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित विवाहिता की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सत्य पाए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। पीड़ित ग्लोबचा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे बड़े भाई मुझको जान से मारने की फिराक में लगे हुए हैं। आए दिन मेरे साथ मारपीट करते रहते हैं और मुझे घर से निकालने की धमकी भी देते हैं। यदि मैं घर से निकल जाऊंगी तो जो मेरे नाम की जमीन है, बड़े भाई उस जमीन को कब्जाने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसके चलते आज पीड़ित के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। वापस घर आने पर जान से मारने की धमकी भी डाली, जिसमें पीड़ित ग्लोबचा और छोटा भाई व उसकी भाभी थाने पहुंचे, जिसमें जमीन के विवाद को लेकर पीड़ित ग्लोबचा की भाभी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में बड़ा भाई दोषी पाया जाता है तो पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से ब्लॉक संवाददाता बूढ़ा सैसी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नजराना। नजराना जी, कौन से गाँव की रहने वाली? क्या मामला है जो थाने में आप आई हो? किसे? क्यों? घर से निकाल लाए। किस लिए? जमीन की वजह से। जमीन मिल जाएगी ना, घर से निकालना। कितनी बीघे जमीन है इनके नाम में? नाम जमीन नहीं है, इनको भूमि मिल गई इनके नाम में। आगे इनके नाम में आगे। तो क्या तहरीर दी है आपने थाने में? अरे ये दिए क्या, मैंने मार गए तो मैं ना बचाने गई तो उन्होंने मेरे जेठ ने मेरे पेट में नहीं मिला था मारी है। अच्छा, से लाता पेट से हैं आप? अच्छा, पुलिस को तहरीर दी है आपने? हाँ। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करना चाहोगी तुम? सजा मिलनी चाहिए। जैसे आए दिन मारते रहते हैं। हाँ, दूसरे दिन लड़ाई कर मारे हैं। वो कितने लोग दबंग लोग हैं, कैसे हैं? नाम है आपका? गुलाबसा। गुलाबसा, क्या बात, आपको मारपीट कर रहे हैं आपके भाई, क्यों कर रहे हैं? क्या जमीन आने वाली है आपके नाम में, इसलिए मारपीट करते हैं? कितने बीघे जमीन आने वाली है आपके नाम में? छह बीघे जमीन आने वाली। क्या नाम है उनका जो मारपीट करते हैं? अच्छा, कितनी बार आपके साथ मारपीट कर चुके हैं? दो बार मुझे घर से निकाल चुके हैं, फिर रात ये बात हुआ फिर निकालने की कोशिश की। ये मेरी भाभी है, ये मिजला भाई है, मेरा नूरा सा, ये मुझे घर पर रखते हैं तो इनको भी धमकाते हैं कि हम तुझे भी मारेंगे और तुझसे छत्तर लिखवाएंगे। छत्तर लिखवाने की भी धमकी देते हैं? अच्छा, थाने में आई हो, प्रार्थना पत्र दे दिया आपने पुलिस को? जी, दे दिया। क्या कार्रवाई की मांग करना चाहोगी तुम? भाई क्या नाम है आपका? नूरहसन। नूरहसन भाई, आज थाने में आए हैं जी, जमीन के विवाद को लेकर, क्या पूरा मामला है? जी सर, ये हमारी छोटी बहन है और इसके ना माँ है ना बाप है, मैं ही हूँ जो भी हूँ। बाप समझो मुझे, माँ समझो, भाई समझो, मैं इसका कर रहा हूँ। इसलिए बड़ा भाई जो है उसका दुख पहुँच रहा है, अपने साथ में रख रहा है, ऐसा घर से बार बार निकाल रहा है घर से, मैं इसे खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ और मैं सर रखता हूँ अपने पास, तो वो जमीन के लिए इसलिए कि मतलब ये ना होगी घर पे और ना मिलेगी जमीन, जब घर से निकल जाएगी जमीन हमारे नाम में आ जाएगी, इसका रवा खत्म हो जाएगा। जास्ती से घर से बयान कर रहे हैं। कौन से गांव का मामला? जी, घर बिना वाला खरी खड़ा थाना मुंडा पांडा जिला मुरादाबाद। अच्छा, कोई प्रार्थना पत्र दिया तुमने उनके खिलाफ? जी। क्या मांग करना चाहोगे? जी, इंसाफ चाहिए हमें, तो ये बहन इंसाफ है, अब या तो वो शादी करें इसकी या फिर मुझे करना। तुम्हारे भाई का नाम क्या? नूर मोहम्मद और जुम्मा। अच्छा, इनके जो नाम में जमीन आने वाली है, कितनी आने वाली है? जी माँ हमारी खत्म हो चुकी है, इनके नाम में मतलब पोती नहीं हुई है, बहन के नाम में, उस पोती को होनी चाहिए बहन के नाम में। तो जो भाई मारपीट करते हैं, आज गर्भवती हैं आपकी वाइफ, उनके पेट में लाते मारी हैं? जी, इनके मतलब बीबी ने हमारी इसे मतलब बहन को हमारी रोका बचाया, तो हमारी बीबी के पेट में लाते मारी, बच्चे की खुशी से है और उसे मतलब बच्चे को मतलब नुकसान पहुँचा, इसलिए जब हम आए तो मुख पर क्षेत्र केस लगवाने के लिए जुम्मा जुम्मई बहू नूर मोहम्मद और सुजुम्मा दोनों ने मतलब क्षेत्र के लिखवाने लिए थाने तहरीर देने आए हैं ये भी। अच्छा जी, तो जो अधून किस तरीके का खतरा बना हुआ उन लोगों से आपको? खतरा पूरा बना हुआ साहब, ये घर के साथ नहीं हम दे रहे हैं,
कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। कानून तो मेरा ये है कि मतलब जो बहन शादी हो जा, भाई एक छोटा रह गया, वो सब मतलब पर बेचारा काम करता है, तो ये जो भी है फरहाल मैं ही हूँ और मुझे देखना है। मैंने देखा तो कौन देखे, आप मुझे धक्के मार के निकाल दिया, बहन मैं भी निकाल दूँ, बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है। बहन के नाम में जो है जमीन जितने भाई नाम में है, बहन के नाम में जमीन होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें।